सो हेलो भैया, नमस्ते जी। स्वागत करते हैं फिर से एक न्यू ब्लॉग वीडियो में। तो भैया, अभी हम हैं बस स्टैंड के पास और यहाँ पे मेट्रो का काम चल रहा है, तो वही सोचे कि आपको दिखा दिया जाए। हालांकि काम तो बहुत दिनों से चल रहा है, लगभग 20 दिन हो गया होगा, लेकिन हम लेट वीडियो बना रहे हैं, तो चलिए हम दिखाते हैं आपको। देखिए, इस साइड जाइएगा तो पहाड़ी पे चले जाइएगा कुछ दूर के बाद, और यहाँ से देखिए मेट्रो का काम शुरू हुआ है। यहाँ पे बड़ा बड़ा मशीन लगा हुआ है और ये मेट्रो का बोर्ड भी लगा हुआ है। और इधर हम जो जा रहे हैं इस साइड, ये जा रहे हैं हम बस स्टैंड की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेट्रो का बोर्ड लगा हुआ है और बड़ा बड़ा मशीन लगा हुआ है। और एक चीज़ यहाँ पे नहीं देखने के लिए मिल रहा है कि और जगह का जो हम मेट्रो का अपडेट बनाए थे ना वीडियो, वहाँ पे बोर्ड में नंबरिंग था, बोर्ड नंबर 1, 2, बोर्ड नंबर 3 ऐसा करके था, लेकिन यहाँ पे कोई नंबरिंग नहीं है, बस ऐसा ही बोर्ड लगा हुआ है और बड़ा बड़ा मशीन लगा हुआ है जो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे माइक का यूज हम नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कोई दिक्कत हो आवाज़ में, तो उसको मैनेज करिएगा थोड़ा। और आपको दिखा दें, यहाँ से पैदल जा रहे हैं बस स्टैंड के तरफ, और इतना दूर तक काम चल रहा है, इतना दूर हम पैदल आ चुके हैं। देखिए पीछे आगे, सबसे आगे एक ट्रक है और इधर तक, मतलब ये काम बहुत तेजी से चल रहा है। मशीन बहुत बड़ा बड़ा लगा दिया गया है और अधिक संख्या में मशीन को लगाया गया है। यहाँ पे देखिए दो मशीन है, स्टार्टिंग में ही दो मशीन है, और यहाँ पे एक बीच में एक मशीन है। जब काम शुरुआत हुआ था तो उस समय इतना मशीन नहीं था, लेकिन अभी 4-5 दिन के अंदर में देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मशीन को बढ़ा दिया गया है। तो सोचे कि चलिए वीडियो बना दिया जाए। और आप देख लीजिए, हम बस स्टैंड की तरफ पैदल जा रहे हैं और आपको सामने भी नज़र आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे भी आपको एक मशीन नज़र आ रहा है और सामने भी आपको 2-3 मशीन नज़र आ रहा है। और जो बस स्टैंड का जो फ्लाईओवर है, वहाँ तक काम चल रहा है, वहाँ तक काम स्टार्टिंग है। और एंडिंग पॉइंट तो आपको दिखा दिए, पहाड़ी तरफ से आइएगा तो स्टार्टिंग पॉइंट इधर, और गया की तरफ से आइएगा तो स्टार्टिंग पॉइंट इधर। तो दोनों तरफ का हम दिखा दिए आपको, स्टार्टिंग पॉइंट का भी या एंडिंग पॉइंट का भी। बीच में ऐसे ज़्यादा मशीन नहीं है, स्टार्टिंग में ही और एंडिंग में ही ज़्यादा मशीन है। और ये बोर्ड देखिए लगा हुआ है, बोर्ड पे नंबरिंग नहीं लिखा हुआ है, और उधर हम बनाए थे तो नंबरिंग था बोर्ड पे, लेकिन यहाँ पे कोई नंबरिंग नहीं है। देखिए उमराव कमिटी हॉल, जहाँ पे खेसारी लाल जी का एक सॉन्ग शूट हुआ था, इस रोड में खेसारी लाल जी का 2 सॉन्ग शूट हो चुका है, एक बीर में होली का सॉन्ग, यहाँ पे भोजपुरी सॉन्ग, यहाँ पे भोजपुरी सॉन्ग, और जो बीर में फन एनसीटी है वहाँ पे होली का सॉन्ग शूट हुआ है, और अंकुश राजा जी का सॉन्ग भी शूट हुआ है। फन एनसीटी का भी आपको सीन दिखाया, मतलब इस रोड में भोजपुरी सॉन्ग शूट होना शुरू हो गया है, ये रोड डेवलप हो गया। और मेट्रो का काम भी आप देख ही रहे हैं, तेजी से चल रहा है। ये काम 20 दिन से 15 दिन से ऊपर से चल रहा था, लेकिन हम बना नहीं रहे थे, क्योंकि एक दो मशीन लगा करके काम चला रहा था, तो हम सोचे कि क्या बनाया जाए इस पे वीडियो। लेकिन अभी देख रहे हैं कि बहुत सारा मशीन लगा दिया है, तो हम वीडियो बनाना शुरू कर दिए। देखिए अंदर में भी बहुत छोटा छोटा मशीन है, जो कि हाइट नीचा होने के कारण, जो बोर्ड लगा हुआ है उसके नीचे तक मशीन है, तो हाइट नीचे हो जा रहा है मशीन का, इसलिए वो नहीं दिख रहा है, बस थोड़ा थोड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा। और ऐसे भी ये फ़ोन है, तो फ़ोन का कैमरा उतना ज़बरदस्त है नहीं कि आपको जूम करके दिखा दें, लेकिन जो भी दिखाने में पॉसिबल हो रहा है उसको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे भी 2 मशीन लगा हुआ है, और ये ऐसा बोर्ड जो है ना, बहुत आगे तक लगा हुआ है। चलिए थोड़ा आगे बढ़कर भी आपको दिखा दें, बस स्टैंड के जो फ्लाईओवर है वहाँ तक लगा हुआ है, और ये RPS स्कूल अभी छुट्टी हुआ है तो बस डिस्टर्ब कर रहा है वीडियो बनाने में थोड़ा। देखिए ये RPS स्कूल है, इधर से बस निकल रहा है, ठीक है। और RPS स्कूल के सामने भी देखिए एक बड़ा मशीन लगा हुआ है, और इधर देखिए बड़ा मशीन तो लगा हुआ है ही, ये अभी सब बस स्टैंड से निकल रहा है। देखिए बहुत दूर तक काम चल रहा है, बस स्टैंड का जो फ्लाईओवर है वहाँ तक, और वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा बोर्ड लगा करके घेर घार दिया है, तो वहाँ तक हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जाने में थोड़ा, गाड़ी भी बहुत तेज़ी से चलता है वहाँ पे, दो तरफ का गाड़ी एक ही बार आता है, बहुत रनिंग में, जैसे बस स्टैंड से और जो बाईपास पे है वो दोनों गाड़ी,
दोनों चाहते हैं, जबरदस्ती करते रहते हैं, मतलब हाई फाई वहाँ पे स्पीड रहता है दोनों गाड़ी का, इसलिए वहाँ पे नहीं जाएंगे, यहीं तक वीडियो को एंड करेंगे बना करके। यहाँ पे देखिए जेसीबी लगा हुआ है, यहाँ पे एक रास्ता छोड़ दिया गया है, यहाँ से जेसीबी जाता है और वहाँ से जो मट्टी निकलता है, ये जो मट्टी निकालता है ना गाड़ी, ये जो मशीन है वो मट्टी निकालता है, तो उस मट्टी को इस जगह से ट्रक जाता है अंदर और निकाल के बाहर फेंक देता है। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये छोटा सा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और थोड़ा तबीयत डाउन है और बिना माइक का वीडियो बना रहे हैं तो हो सकता है कि आवाज़ में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आया होगा, तो उसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा और वीडियो को एंजॉय कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।